दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं घर बैठे संगीत सीखना, तो अभी जाइए प्ले स्टोर में और इंस्टॉल करिए रियाज ऐप। अगर वहां से कुछ तकलीफ है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इंस्टॉल करिए। संगीत सीखने वालों का सबसे सच्चा साथी, घर बैठे आपको स्टेप बाय स्टेप संगीत सिखाएगा ये रियाज ऐप। तो आज से ही शुरू करें और अपने संगीत की जर्नी को आगे लेके जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं सुर संगम में। दोस्तों, टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा, मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को, मैं ना भूलूंगा। दोस्तों, इसका ओरिजिनल स्केल है वो है एफ शार्प और मेजर, ठीक है, ये स्केल है यहां से, लेकिन मैं इसको प्ले कर रहा हूं डी शार्प मेजर से, क्योंकि ये सा अगर ये मानते हैं तो तार सप्तक के सा तक ये जाता है, तो यहां तक मेरा रेंज बराबर नहीं आ रहा, या हो सकता है आपका भी ना आए, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। सुरों का पैटर्न आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करें सुरों की, तो सबसे पहले राउंड में आप शुद्ध सुरों को लीजिए, सारे गामा पाधा नीसा। तो ये मेरा सा है, तो एक छोड़ करके रे, एक छोड़ करके गा, तुरंत बाद में मा, एक छोड़ करके पा, एक छोड़ करके धा, एक छोड़ करके नी, और तुरंत बाद में सा। तो ये हो गए मेरा सा रे गामा पाधा नीसा सा रे दा पा मा गा रे सा। मंत्र सप्तक में दो सुर हैं, नी शुद्ध और पानी सा, पानी सा गा रे गा रे सा। ये मेरा स्वर है, यानी कि नीचे के दो, और इसके अलावा इसमें एक विवादी सुर भी है, यानी मा शुद्ध के साथ में मा तीव्र का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, अंतरा में अस्थाई में दोनों में ये काम आता है। तो क्या समझ में आया, यानी सारे शुद्ध स्वर थाट बिलावल, इसके अलावा मा तीव्र। मंद्र सप्तक में नी और पा हैं, वो भी बिलावल के हैं यानी शुद्ध हैं, वो दो स्वर हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से है, मैं आपको ओरिजिनल स्केल से लास्ट में प्ले करके बता दूंगा। आप देखिए, सबसे पहले ये मैंने सागापा लिया, मैं ना भूलूंगा ये बार बार रिपीट होता है स्टार्टिंग में। तो इसमें क्या हुआ है, सा गा मा पा मा पा रे, सा गा मा पा मा पा रे, सा नी पा नी सा गा रे गा रे सा नी पा नी सा नी पा नी सा गा रे गा रे सा गारे गारे सा, गारे गारे सा भी कर सकते, गारे गा सा ऐसा भी कर सकते हैं, यानी रे का कर्ण लेके भी आ सकते हैं, या रे का कर्ण ना लेते हो डायरेक्ट गा से सा पे आ सकते हैं। बिल्कुल स्लोली देखिए बैठ जाएगा, मैं ना भूलूंगा सानी पा, ये हेल्पिंग रहेगा, मैं ना भूलूंगा गा सा, ठीक है, ये डायरेक्ट है अगर स्लो में जाएंगे तो, और जब हम फास्ट में जाएंगे थोड़ा सा बीट के साथ में, तो गरे रे का कर्ण लेके चले जाएंगे। फिर उसके बाद में हम यूज करेंगे मा तीव्र का, इससे पहले मा शुद्ध का यूज किया हमने, अब मा तीव्र का यूज होगा और सीधे चले जाएंगे पा पर। हो इन रस्मों को, इन कस्मों को, पा 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 मा पा दा पा मा पा, इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते मामा गरे, इन रिश्ते नातों को, मामा गरे गामा गरे सा सापे ठहर जाएंगे। इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को, मैं ना भूलूंगा। ये हमारा स्थाई का पैटर्न हो जाता है। अंतरा की बात करें तो देखिए, चलो जग को भूल
झूले पा 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 गारे सासा। ठीक है, दो बार चलता है। चलो जग को भूले पा 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 गारे सासा, फिर ख्यालों में झूले। ये देखिए बहुत ही प्यारा पैटर्न है, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। ख्यालों सा खया खया सा सारे सारे गारे गामा गा मा पा मा गारे रे गामा गा रे गामा गा रे गामा गा रे सा। थोड़ा सा जल्दी चलता है। रे गामा गा रे सा। देखिए एक एक चीज को। ख्यालों में झूले। अगली लाइन सेम है। बहारों में डोले। स्लोली देखिए। बहारों में डोले हो बहारों में डोले सितारों को छूले और फिर उसके बाद में ओ आ तेरी मैं मांग सजा दूं आ तेरी मैं मांग सवारूं तू दुल्हन बन जा। सा से सीधा गया मैं धा पर। आ तेरी मैं मांग सजा दूं सा सा धा धा पा धा नी धा पा मा पा तू दुल्हन बन जा तू। पा से सीधा सा पर। तू दुल्हन बन जा पा सा सा नी धा पा मा गा। और फिर वही पैटर्न हो जाएगा इन रस्मों को इन कस्मों को। मांग से जो दुल्हन का रिश्ता मांग से जो दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा। अंतरा वापस रिपीट कर देता हूं। चलो जग को भूले हो चलो जग को भूले ख्यालों में झूले बहारों में डोले हाँ बहारों में डोले सितारों को छूले। आ तेरी मैं मांग सवारूं आ तेरी मैं मांग सजा दूं तू दुल्हन बन जा मांग से जो दुल्हन का रिश्ता मांग से जो दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा। अब आपको मैं ओरिजिनल स्केल पे लेके जाता हूं। तो ओरिजिनल स्केल है ये वाली। तो यहां से देखिए मा शुद्ध मा तीव्र यहां तक जाएगा और नीचे नी और पा। तो मैं प्ले करके बता देता हूं स्लोली आप समझ लीजिएगा। Thank you.
अब अंतरा का प्रारूप वही पा से शुरू होगा। मुस्कुराते रहिएगा। कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।